हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस नेगी फैमिली में आपका दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पहाड़ी दाल क्या होती है। वैसे तो मोस्टली हम घर से पहाड़ से ही पहाड़ी दाल लेके आते हैं, लेकिन इस बार हम बहुत जल्दी में आए थे। लॉकडाउन की वजह से सारी दुकानें बंद थे, तो हम 3 बजे वहाँ से निकले थे और 10 बजे करीब, 9:30 या 10 बजे करीब यहाँ पहुँचे थे। तो इस बार हम कुछ भी लेके नहीं आए हैं। और वैसे तो मेरे पापा की दुकान है, वहाँ भी दालें वगैरह मिल जाती है, लेकिन पापा की भी दुकान 3-4 दिन से बंद पड़ी थी, मतलब कि गए नहीं थे क्योंकि रास्ते खराब हो रहे थे इसलिए। तो इस बार गांव की दाल बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने यहीं से ले रखी है कुछ दालें, उन्हीं को मिक्स करके मैं बताऊंगी कि गांव की दाल कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, जो भी साबुत दालें होती हैं, मतलब जितनी भी साबुत दालें होती हैं, उन सारी दालों को आप लाइए और मिक्स करिए। वही होती है, मतलब गांव की दाल जो होती है उसमें कम से कम 6-7 दाल मिक्स होती है, उसी को गांव की दाल या पहाड़ी दाल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ मैंने वो दाल बनाने के लिए राजमा ले रखे हैं। ये देखिए कि मैं राजमा लाई थी 1/2 किलो, तो मैं इसमें राजमा डाल दूंगी। ये देखिए मैंने राजमा डाल दिए। और ये लाई थी मैं सोयाबीन, सोयाबीन की दाल है ये 1 kg, तो 1/2 मैं इसको भी डाल लेती हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स, जितनी भी मतलब साबुत दालें होती है गांव में तो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि गेहूं हो गई और काली दाल हो गई, सोयाबीन हो गए और रयास बोलते हैं वो हो गए, और क्या बोलते हैं बीन्स होते हैं जो बीन्स के बीज वो हो गए, ऐसे बहुत सारी दालें होती है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या मिला के मिक्स दाल बना रही हूँ, यानी पहाड़ी दाल बना रही हूँ। और इन सारी दालों को मैं मिक्स करके एक डब्बे में भर दूंगी, फिर जब भी मन करेगा मिक्स दाल खाने का तो बना लेंगे। ये मैं काली दाल लाई हूँ 1/2 किलो का पैकेट, तो इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी इसमें। आप इसमें मूंग हो गई, अरहर हो गई, साबुत अरहर या मूंग कुछ भी हो साबुत, आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो गांव में तो बहुत सारी दालें होती है साबुत, और उन सबको मिला के एक दाल बनाई जाती है, लेकिन यहाँ इतनी सारी दालें नहीं होती है, तो मैं थोड़ा थोड़ा। और फ्रेंड्स, ये है गहत, ये भी 1/2 किलो हम यहीं से लेके आए हैं, और ये पथरी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जिनको पथरी होती है बोलते हैं कि इस दाल का पानी 1 गिलास अगर सुबह खाली पेट पिया जाए तो लगातार कंटिन्यू अगर 1 महीने तक आप पियोगे तो आपकी पथरी ख़त्म हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या मिक्स किए। यहाँ मुझे ज़्यादा दालें नहीं मिली है, 4-5 दालें मिली है, तो मैं उन्हीं को मिक्स कर रही हूँ। यहाँ तो साबुत दालें कम मिलती है, तो आप जो है कि दली हुई जो दाल रहती है 2 टुकड़ों वाली, उसको भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पॉसिबल नहीं होती हर दाल साबुत मिलनी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ले रखी है मैंने दाल, तो ये ले रखे मैंने गहत, ये ले रखे मैंने सोयाबीन, ये ले रखे मैंने राजमा, ये ले रखे मैंने काली दाल। अब हम इन सबको अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे ये देखो साथ में। तो ये बन गई है पहाड़ी दाल, यानी कि गांव की दाल, मिक्स दाल भी आप इसे बोल सकते हैं, लेकिन हम इस तरह की दाल जो है उसे पहाड़ी दाल के नाम से जाना जाता है। गढ़वालियों में जो पहाड़ी लोग होते हैं उनके यहाँ इस तरह की दालें जो भी होती है साबुत दालें, इसी तरह से वो सारी दालें मिक्स करके और एक डब्बे में भर के रख देते हैं। फिर जब भी मन करता है, जब इस दाल को बनाते हैं तो इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए सुबह थोड़ा सा इसको 2-3 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगा देना चाहिए, तब बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बन गई है मेरी पहाड़ी दाल, ये देखिए ये बन गई है मेरी पहाड़ी दाल। और अब मैं इसको इस डब्बे में भर के रख दूंगी। ओ, मैं अभी ना ये भी लेके आई थी कल,
और मेरे को ना सूप बहुत पसंद है, तो मैं 10-10 रुपए के छोटे छोटे पैकेट सूप लेके आ गई, क्योंकि चाय नहीं पीती हूँ मैं उतना और सूप मेरे को बहुत पसंद है। तो अभी मैं ये वाला सूप बना लेती हूँ, एक मेरे लिए बहुत होता है। तो आपको भी अगर पसंद है तो आप भी आ जाइए। ये देखिए मेरा सूप का पानी गर्म हो गया हल्का सा, तो मैं इसमें डाल दूंगी ये सूप और बस इसको चम्मच से चला लूंगी और इसको चम्मच से चला लूंगी और जैसे ही इसमें एक बॉईल आ जाएगा उसके बाद निकाल लूंगी। तो इस तरफ मेरी प्लेट हो गई रेडी सूप के लिए, लेकिन सूप अभी बना नहीं, बन रहा है। तो सूप हो गया है रेडी, तो चलिए अब निकाल लेते हैं गर्मा गर्म, यमी यमी। तो ये मेरा यमी यमी सा सूप बन के रेडी हो गया है, तो अब मैं इसको पी लेती हूँ फटाफट से। तो मैं इसे लेके आ गई हूँ कमरे में और अब टीवी देखते देखते सूप का मज़ा लूँगी। अगर आप लोगों को भी सूप पीना है तो आ जाइए आप लोग भी। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और फ्रेंड्स जय माता।